वेलकम बैक टू नुस्ता मस्ते गाइस। आज है गणपति का पांचवा दिन, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंज चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि डेढ़ दिन की गणपति में तो हम लोगों ने धीरज के घर पे गणपति विसर्जन में धमाल मचाया, बहुत नाचे थे, आप लोग जाके वीडियो देख लो। अभी यहाँ पे ना पांचवे दिन पे भी गणपति विसर्जन हो रही है, जो कि आज है, संडे का दिन है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, घर जाके देखेंगे। दूसरा वैसा है कि छठवें दिन पे भी पांचवें दिन की गणपति विसर्जन हो रही है। तो आज तो किसी के साथ मैं नहीं आया हूँ, आज ऐसे ही घूमने के लिए आया था, वहाँ गणपति विसर्जन का जो भी कार्यक्रम है हो रहा है, कल के दिन मैं आऊँगा। सुषमा दीदी के घर पे गणपति बैठी है, तो उनके साथ हम लोग आएंगे, धमाल चौकड़ी मचाएंगे, गणपति विसर्जन करेंगे। देन मंगलवार को अगेन सातवें दिन की विसर्जन होगी, तीन दिन रो में, देन ग्यारहवें दिन का गणपति विसर्जन होगा। अभी तो घर पहुंचना बाकी है, अभी घर पहुंच के जब हम निकलेंगे तो हमारी भी एक गाड़ी गर्दी बढ़ाएगी, पीछे देखो कितनी गर्दी है। अभी आप लोग बोल रहे होगे कि पीछे बैठ के हेलमेट क्यों पहना हुआ है, मेरी मर्जी, मैं कुछ पहनू तुमको क्या करने का है, ब्लॉग देखो ना चुपचाप। डीजे वाले भैया गाना बजा दो, अभी बजाएंगे वो।
तो काफी जोश और जश्न भरा माहौल आप लोग देख सकते हो, चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया की जय जयकार हो रही है और इतने ढोल और नगाड़े बज रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है। तो अभी देखते हैं यहाँ से निकलेंगे आगे उपवन की तरफ मिलते हैं, अगर बीच में कुछ और नज़ारे रहेंगे तो दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो गणपति बप्पा मोरिया। अगर ऊपर आप लोग देख रहे हो तो हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा है तो होप है क्या बारिश जोर की ना हो, बिकॉज भीगने का जरा भी इरादा नहीं है मेरा। और आप लोग अगर देखोगे तो पीछे काफ़ी पब्लिक है चारों तरफ, कम से कम यहाँ पे 100 मीटर के रेंज में 25-30 गणपति का तो मतलब एक जलसा निकला हुआ है। मिलते हैं आगे, तब तक नीचे दिए गए बटन को दबा दो सब्सक्राइब। पीछे पटाखे फूट रहे हैं, यहाँ पे पूरा एकदम जोर का ढोल नगाड़ा बज रहा है, इसे कहते हैं नॉइस कैंसलेशन। अभी पूछना मत कमेंट करके भाई क्या यूज कर रहे हो, इतने जोर शोर के आवाज में इतना क्लियर नॉइस कहाँ से आ रहा है नहीं बताऊंगा। गणपति बप्पा मोरिया। मोटा भाई केम छो गणपति में लोग गरबा खेल रहे हैं। नाचने नहीं मिल रहा है? नहीं यार, अभी हम अपना बजाते हैं, अपना बजाओगे। हम लोग अपना गाना लगाएंगे, खुद गाएंगे और खुद नाचेंगे। गाइस टाइम के साथ में काफी कुछ बदला है, पहले पीछे देवदया नगर साइड में ना शरबत मिलता था, तो हम लोग शरबत मिलता था बड़े क्वांटिटी में मिलता था और बहुत सारी चीजें थी, जैसे की फूल की बारिश थी, शरबत थे, कुरमुरा था, मतलब नॉर्मल जो गणेश भक्त है उनके लिए ये किया जाता था कि नॉर्मल जो थक गए हैं प्यासे हैं उनके लिए मैनेजमेंट किया जाता था, बट अभी इतना कुछ नहीं है। इस बार भी अरेंजमेंट किया हुआ है, हर दुकान में बिस्लरी का सेक्शन लगाया हुआ है, जाके 20 रुपए दे के बिस्लरी खरीद के पी सकते हो और अगर पैसे ज़्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हो। तो आदि उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे दादा, खाली जेब आए थे, खाली जेब जाएंगे। अभी लगभग पहुंच गए, देखो पीछे यहाँ पे इसके पीछे ही डुबाते हैं, गणपति विसर्जन करते हैं। हमारा पूरा टीम डिस्ट्रॉय हो गया, आधे लोग आधे आगे आधे पीछे, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, पापी लोग है क्या होएगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। खाना नहीं खाए हो क्या? खाए हो सब लोग? गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। 1, 2, 3, 4 अर्धा लाडू, अर्धा लाडू चंद्रावर, गणपति बप्पा उंद्रावर, 1, 2, 3, 4 गणपति चाचा जयकार, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति, मोरिया। तो अभी डेस्टिनेशन पे आ गए, यहाँ पे सेकंड लास्ट आरती होती है, सब लोग गणपति बप्पा को लाइन से लगा के एक जो नॉर्मल आरती हमेशा करते हैं वो आरती करेंगे, विसर्जन होगा, उसके बाद घर जाके खाली मंडप का भी एक आरती होता है वो लास्ट आरती होती है, उसके बाद में क्या है आराम से हाथ मुंह धो और सो जाओ।
तो अभी यहाँ पे आरती करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद में विसर्जन का सीन देखते हैं। विष्णुदास रामा विष्णुदास रामा जीवे बाबे ओवाई ओ जीवे बाबे ओवाई तो आरती हो गई है, अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। आज पांचवा दिन है, गर्दी ज्यादा होगी नहीं तो अंदर हमको भी एंट्री मिलेगी। छठवा दिन है तो हमको अंदर एंट्री मिल जाएगी। ग्यारहवें दिन पे काफी गर्दी होती है तो गणपति के साथ में सिर्फ दो या तीन लोग को छोड़ते हैं। विसर्जन हो गया है और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 11:10। अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अभी सबसे ज़्यादा मज़ा इस बात का आएगा कि गाड़ी में कौन बैठेगा। सब लोग थके हुए हैं, एक दो लोग को छोड़ के है ना, फुर्तीले बंदे। तो अभी सब लोग गाड़ी में बैठने का झगड़ा रहेगा। हम लोग गाड़ी वाड़ी में बैठने वाले नहीं हैं, चुपचाप 11 नंबर की बस पकड़ेंगे, पैदल घर की तरफ निकलेंगे, 15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। तो ओवरऑल ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। 5 दिन की गणपति आपने देखी, यहाँ थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी होती रहती है, थोड़े बहुत झगड़े वगड़े होते रहते हैं हर जगह, बट बाकी टाइम के मुकाबले थोड़ा अरेंजमेंट कम है। तो क्या बोलना चाहोगे आदि? जो भी है अच्छा है, ये दिन बार बार आए, अगले बरस भी आए, हमको मौका दे अपनी भक्ति का। तो इसी बात पे नारा लगाएंगे, गणपति अप्पा मंगल मूर्ति मोरिया। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं करना है मत करो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहिए और मोरिया। ये फॉर्मूला H2O लिक्विड क्लोरीन, फिर इसके अंदर ये हम डालेंगे एंड दैट।
ये बारी है ना। धीरज के गणपति में एक बहुत अच्छी बात ये हुई थी, क्या डीजे दबा के था, नाचने मस्त मिला। खराब बात ये थी क्या गुलाल से पूरे कपड़े की माँ बहन कर दी थी। यहाँ गुलाल तो नहीं था, डीजे का थोड़ा शॉर्टेज था, बट काफी मजा आया। ये देखो बच्चे लोग के जैसा, ये लोग बबल उड़ा रहे हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, एक दो तीन चार, एक लाडू चंद्रावर। आजकल के ब्लॉग एंड करते करते थक जाता हूँ, एंड होता ही नहीं है, तो अभी यहाँ पे एंड करते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। शायद अभी नेक्स्ट वीक हम लोग वज्रेश्वरी जाने वाले हैं, तो वज्रेश्वरी का एक और ब्लॉग आपको मिल सकता है, काफी मजा आएगा, देखते हैं। गए तो जरूर।